हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। दोस्तों, आप सब एग्जामिनेशंस देते हो, फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस दिया। बात करते हैं जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस की, तो स्टूडेंट के रिजल्ट आ चुके हैं। स्टूडेंट परेशान है कि हमारे रिजल्ट में नॉट कम्प्लीटेड क्यों शो कर रहा है, आखिर इसका रीज़न क्या है। हमने तो सही से अपने पेपर को दिया था, मुझे इतने मार्क्स मिले, अब इतने मार्क्स में मैं पास हूँ या फेल पता नहीं चल रहा, रीज़न क्या है। और दूसरी बात, इस वीडियो से आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि अगर मेरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स है तो क्या मुझे री इवेल्यूशंस कराना चाहिए या फिर मुझे नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस में उस पेपर को क्लियर करना चाहिए। ये काफ़ी बड़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका जो वैलिडिटी है, यानी कि आपकी कोर्स की वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो चुकी है तो अब आप क्या करें, क्योंकि आपको अपना रिजल्ट कार्ड पूरा कंप्लीटेड चाहिए। तो चलिए सारी चीज़ों पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एग्जामिनेशंस अभी आपने दिया है रिसेंटली, तो रिसेंटली वाले स्टूडेंट को मैं बता दूँ कि आप अपना रिजल्ट ज़रूर चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया होगा, जैसे कि जब आप अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालते हैं ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, कहने का मतलब रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फ्लैश होती है, तो आप समझते हो कि शायद मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिजल्ट आपकी पब्लिश होगी, फिलहाल रिजल्ट अपडेट नहीं हुई है, पेपर चेक हो चुके हैं या फिर चेकिंग प्रोसेस में है, इस वजह से ऐसा कुछ आपको शो हो रहा है। बट आप इसके लिए घबराए नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे ना पब्लिश होके उनके आईडी पे पब्लिश होता है, तो आप अपने आईडी पर लॉगिन होइए। आईडी पर लॉगिन होने का तरीका बहुत सारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ignu.ac.in के वेबसाइट पर आइए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू का। आने के बाद इनरोल्ड स्टूडेंट यहाँ पर आप अपना जो है इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका जो है यहीं से आप लॉगिन हो सकते हैं। जब आप यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं तो आपको आपका मिल जाता है ग्रेड कार्ड। डायरेक्ट अगर आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा स्टूडेंट सपोर्ट पे। स्टूडेंट सपोर्ट पे आने के बाद आपको आना होगा डाउनलोड वाले रिजल्ट वाले सेक्शन में। रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको ग्रेड कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ग्रेड कार्ड और मार्कशीट सभी के नहीं दिखाई देंगे। बात करते हैं जो पुराने स्टूडेंट है ना, पुराने स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड यहाँ पे नहीं शो होता। जो रिसेंटली 2 या 3 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने लास्ट प्रीवियस 3 या 2 टर्म एग्जामिनेशन में प्रेजेंट हुए हैं, एग्जाम्पल बात करूँ दिसंबर वाले स्टूडेंट का और यहाँ पे जून वाले स्टूडेंट का, यहाँ पे आपको ग्रेड कार्ड देखने को मिलेगा। बाकी सभी स्टूडेंट का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए आप अपने आईडी पे जाइए, वहाँ से चेक कीजिए। अब आपका ग्रेड कार्ड किस तरीके से आपको शो कर रहा है, आप ज़रूर चेक कीजिए। अब हम बात करते हैं कि ग्रेड कार्ड में आखिर आपको मार्क्स कितने होने चाहिए। रिसेंटली जितने भी जून के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना एग्जामिनेशंस दिया और रिजल्ट भी पाया। रिजल्ट पाने के बाद वो कंफ्यूज है कि हमारे डिग्री में, यानी हमारे कोर्स में पासिंग मार्क्स कितना है। तो देखिए, कुछ कुछ चेंजेस तो हुई है पहले के हिसाब से, कुछ नंबर जो है बढ़ाए गए हैं। और वैसे भी इग्नू का जो कैलकुलेटिंग प्रोसेस होता है, यानी कि आपका जो रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस होता है, किस हिसाब से रिजल्ट दिया जाता है, परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, वो तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये किस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने 5 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस दिए, असाइनमेंट के मार्क्स और टर्म एग्जामिनेशंस के मार्क्स, तो यहाँ पे असाइनमेंट और टर्म एग्जामिनेशंस के मार्क्स आपके पूरे नहीं लिए जाते। असाइनमेंट्स के 30% और आपके थ्योरी पेपर के 70% मार्क्स लेके फिर कैलकुलेट करके फिर टोटल किया जाता है, फिर आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट होती है। जहाँ तक कि हम बात करें कि अदर यूनिवर्सिटी, जैसे कि रेगुलर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी से हमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने जितने मार्क्स कलेक्ट किए, ऑब्टेन किए, आपको डायरेक्टली उतना ही परसेंटेज ऐड करके दे दिया जाता है। तो इग्नू में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रेड भी दिए गए हैं। अब आप कितने मार्क्स लाओ कि आपको कितना ग्रेड मिले, उसके बारे में आप जानकारी ज़रूर ले लें। जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ की कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने 80% मार्क्स लाया तो ए ग्रेड, 60 to 79 के बीच में अगर आपने मार्क्स लाया तो बी, 50 to 59 के लिए सी। तो इतने ही ए बी ग्रेड सारे स्टूडेंट को चाहिए होता है।
आपको कितने ग्रेड चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इग्नू में पासिंग मार्क्स कितना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपके जो पासिंग मार्क्स है कुछ इस तरीके से है। इग्नू में अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं ना, तो बैचलर डिग्री के लिए आपको बता दूँ कि यहाँ आपको 50 नंबर का अगर आपका पेपर है, अगर आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 18 है, तो अगर 18 है तो उसके लिए आपको 50 मार्क्स का पेपर है तो आपको 18 नंबर लाने होंगे। अगर आपका मिनिमम आपका जो पेपर का 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 35 नंबर लाना ही लाना होगा। ये मैं बैचलर डिग्री की बात कर रही हूँ, यानी कि जितने भी आपके बैचलर डिग्री है वो सब कुछ सबको, चाहे आप जनरल पेपर की बात कर रहे हो या फिर ऑनर्स, सबको इतने ही मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका 25 नंबर का पेपर है तो आपको 9 नंबर पासिंग मार्क्स लाना ही होगा। ये मिनिमम मार्क्स है, इतने में आप पास कर जाओगे, इससे ज़्यादा भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे। बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात कि असाइनमेंट का जो पासिंग मार्क्स है वो 35 है आउट ऑफ 100। 100 में से 35 मार्क्स आपको लाने होंगे असाइनमेंट में, तभी आप पास कर पाओगे। मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री में अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर लाने ही होंगे पासिंग मार्क्स। 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 40 से अगर आपको एक या दो नंबर कम हुए हो तो फिर आप उसके लिए री इवेल्यूशन करा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, री इवेल्यूशन होता है और एक दो नंबर आपको फिर से बढ़ा के दे दिया जाता है। इग्नू परीक्षा में पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आए तो री इवेल्यूशन करवा सकते हैं या नहीं। देखिए, री इवेल्यूशन आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आप कंफर्म है कि मेरे नंबर इतने आने चाहिए, मैंने पेपर इतने अच्छे से दिया, तभी आप करवाएं। अदरवाइज 750 रुपये आपको हर एक पेपर के चेकिंग के लिए लगता है। इतने ज़्यादा पैसे अगर आप नहीं वेस्ट करना चाहते तो आप फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको जो है री इवेल्यूशन की प्रोसेस नहीं होती, आपको इसके लिए आंसर कॉपी भी नहीं दी जाती, जैसे कि आपके कुछ कोड है, यानी कि एमसीक्यू वाले जितने भी पेपर है वो सारे पेपर की मैं बात कर रही हूँ। बात करते हैं कुछ अलग डिफरेंट कोर्सेज के मार्क्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पूरा यहाँ पर लिस्ट मैंने तैयार करा है, जो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे उसके हिसाब से। जिनका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करूँ कि प्रैक्टिकल के भी मार्क्स, अगर आपके 50 मार्क्स के पेपर है तो आपको 18 नंबर लाने ही होंगे पास होने के लिए। इसी तरह अलग अलग क्राइटेरिया है हर एक प्रोग्राम के लिए, लेकिन एवरेज जो है, अगर 100 नंबर का पेपर है और अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो 40 नंबर आपको लाना ही होगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट थी। अगर आपके मार्क्स इस तरीके से नहीं है तो आपका नॉट कम्प्लीटेड शो करेगा ही। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था कि अगर आपका डेट एक्सपायर हो गया है, आपकी जो है कोर्स का पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या करें। तो इसके लिए एक प्रोसेस है री एडमिशन्स का। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया तो री रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन से बैठ के आप एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। बात करें री इवेल्यूशंस की, अगर आपका री इवेल्यूशंस, अगर आपकी जो है कोर्स की टाइमिंग एक्सपायर हो गई है तो उसमें आप क्या री इवेल्यूशंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई आपको मतलब कि फिर से री एडमिशन्स नहीं करना होगा। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तभी जाके आपको री एडमिशन्स करने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एग्जामिनेशन देते हैं उसके बाद जब आपका रिजल्ट फाइनल होता है तो आपको इग्नू के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें भेजी जाती है। तो ये सारी अपडेट ज़रूर आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।